प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 नौजवानों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, बीते 9 वर्षों में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को दी है प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में भीषण विस्फोट। एग्रा स्थित एक फैक्ट्री में विस्फोट में 9 लोगों की मौत। टीएमसी नेता के घर में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। भाजपा ने एनआईए जांच की मांग की। विश्व टेलीकॉम दिवस के मौके पर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल को किया देश को समर्पित। इस सुविधा से चोरी हुए फोन को ढूंढने और ब्लॉक करने के साथ साथ पर्सनल आईडी के दुरुपयोग पर भी लगेगा लगाम। ये पहल पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण। कर्नाटक के लिए अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस में घमासान और बैठकों का दौर जारी। आलाकमान के निर्देश को एक दिन टालने के बाद आज दिल्ली पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। सिद्धारमैया भी खड़गे से मिलने पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। अब कल भी इस मामले में सुनवाई। राहुल गांधी पर 2019 में चाईबासा में गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप। और आज मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से। मैच के परिणाम पर टिकी है दोनों ही टीमों की प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में अपने आवास पर अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के समुदाय के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने जनजातीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। पीएम ने प्रतिनिधिमंडल के गुजरात की हाल की यात्रा के अनुभव के बारे में पूछताछ की। विशेष रूप से केवड़िया और गिफ्ट सिटी की उनकी यात्रा के बारे में उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश के राजभवन में आज सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक पीवीएसएम यूवाईएसएम YSM ने राज्य में रहने वाले सिक्किम के लोगों के साथ उत्सव में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से राज्यपाल ने सिक्किम के लोगों को उनके 48वें स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि सिक्किम ने पर्यटन, स्वच्छ भारत अभियान और जैविक कृषि और बागवानी में अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। राज्यपाल ने कहा कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में काफी समानताएं हैं। राज्यपाल ने सिक्किम के लोगों से अरुणाचल प्रदेश के उत्सव, परंपराओं और रीति रिवाजों की भावनाओं को आत्मसात करने और अरुणाचल प्रदेश की अच्छी यादों को वापस लेने का आह्वान किया। उन्होंने उन्हें सामूहिक खेलों, ट्रैकिंग और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने की भी सलाह दी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के लोगों को बधाई दी है। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि सिक्किम के मेरे बहनों और भाइयों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और मेहनती लोगों से संपन्न ये एक अद्भुत राज्य है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर जैविक खेती में काफी प्रगति की है। मैं सिक्किम के निरंतर विकास के लिए प्रार्थना करता हूं। और केंद्र की मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले के जरिए विशेष अभियान चला रही है। आज इसका 16वां संस्करण रहा। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में नवनियुक्त कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपे। इनकी संख्या 71,000 थी। आज ये रोजगार मेला 22 राज्यों के 45 केंद्रों पर लगा। सरकार का यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार पूरे देश में सरकारी विभागों में खाली हुए पदों पर मिशन मोड में भर्ती कर रही है।
और आज का ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 2014 में 16 मई को ही भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार ने केंद्र में प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल की थी। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेले के पहले चरण की शुरुआत की थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नव नियुक्त कर्मचारियों को संबोधित भी किया। अपनी सरकार में नेचर ऑफ जॉब के बदलाव पर भी पीएम ने कई अहम बातें कही। उन्होंने बताया कि किस तरह बदलती हुई परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर सामने आए हैं। इन 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेता था, यानी करीब करीब 1.5 साल। आज ये प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती है। और पीएम मोदी ने जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे उनमें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कुछ नव नियुक्त कर्मचारी भी हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। 2020 से कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है उसमें मुझे पोस्टिंग मिली है और काफ़ी वर्षों की जो लगन और प्रयास के बाद जो है मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो रोजगार मेला जो कार्यक्रम उसका जो शुरुआत की गई थी उसके तहत मुझे यहाँ पे देहरादून में आने का मौका मिला है और ये जो आज का दिन है ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक है। देहरादून की रहने वाली हूँ और मेरा सिलेक्शन जो है BPM पोस्ट के लिए टिपरी टिहरी में हुआ है, टिहरी BO में हुआ है। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर है जो कि मतलब इतने सम्मान के साथ दिया गया, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस चीज़। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो GOI BO के लिए हुआ है BPM पद पे और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने। तो देहरादून के युवा कितने प्रसन्न हैं आपने देखा और कोलकाता में नवनियुक्त कर्मचारियों ने क्या कहा, आइए ये भी सुनते हैं। I have been selected for the post of dak sevak in department of post. Today we have got our joining letter or offer letter. So after this we will be going to our respective departments and respective office to join. I am thankful to our honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji who has given us the golden opportunity to forecast our effort. I have been selected for the post of dak sevak and this is a very honorable moment for me and I am very thankful to Government of India and our honorable Prime Minister Narendra Modi ji. पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एक भीषण विस्फोट में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी मेदिनीपुर के एग्रा स्थित एक पटाखे की फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि ये अवैध फैक्ट्री सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर पर चलाई जा रही थी। धमाके की तीव्रता इतनी तेज थी कि कई मीटर दूर तक लाशें मिली हैं। ग्रामीणों ने 9 का आंकड़ा मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि इसमें और भी लोग मरे हैं लेकिन राज्य सरकार इस आंकड़े को छुपा रही है। वहीं भाजपा ने पूरे मामले में सत्ताधारी पार्टी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेता राहुल सिन्हा ने विस्फोट की निष्पक्ष जांच NIA से करवाने की मांग की है। ये जो कारखाना इसका मालिक है तृणमूल कांग्रेस का नेता, 2022 में इनको गिरफ्तार भी किए थे। ये अवैध पटाखा कारखाना का कारण, ये छूटा कैसे और छूट गया तो फिर पटाखा कारखाना बनाया कैसे? और केंद्रीय संचार, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजधानी दिल्ली में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में टेलीकॉम सेक्टर में कई सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज उपभोक्ता सुरक्षा के मद्देनजर संचार साथी पोर्टल से 3 अहम सुधार किए गए हैं।
और कर्नाटक में मुख्यमंत्री का नाम फाइलिंग करने में कांग्रेस के लिए मुश्किलें सामने आ रही हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग आए हुए लगभग 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अभी भी सीएम के नाम का ऐलान नहीं कर सका है। अब कर्नाटक के अगले सीएम का मसला दिल्ली में सुलझाया जा रहा है। खड़गे के आवास पर हो रही बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। आज ही कर्नाटक से दिल्ली आए डीके शिवकुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके निवास पर मुलाकात की। शिवकुमार ने खड़गे के घर जाने से के बाद कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने खड़गे के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इससे पहले दिन भर चली बैठकों के दौर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल रहे। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक भी खड़गे के घर पहुंच चुके हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। मामला साल 2018 का है। उस दौरान चाईबासा में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था। भाजपा नेता नवीन झा ने राहुल गांधी की भाषा को आपत्तिजनक बताते हुए निचली अदालत में याचिका दायर की थी और ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायाधीश अंबुज नाथ झा ने दोनों पक्षों को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का निर्देश दिया है। और भारत की रक्षा परियोजनाओं से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों ने के अवैध संग्रह में शामिल एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और जयपुर सहित देश के 12 विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। आरोपी डीआरडीओ रक्षा परियोजनाओं और उनकी प्रगति के विवरण, भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की खरीद के बारे में संवेदनशील विवरण सहित संवेदनशील जानकारियों के अवैध संग्रह में शामिल था। सीबीआई ने इस मामले में 9 दिसंबर 2022 को केस दर्ज किया था। और एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों जावेद अहमद भट्ट और जहूर अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकवादी 21 मई 1990 को मीर वाइज की हत्या के बाद से फरार थे। दोनों भूमिगत हो गए थे और इन सभी वर्षों के दौरान अलग अलग जगहों पर छिपे रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक दोनों भूमिगत रहे और इन सभी वर्षों के दौरान वो कई स्थानों पर गए, जिनमें से नेपाल और पाकिस्तान में के भी कई उनके छिपने के अड्डे शामिल रहे और कुछ साल पहले कश्मीर में चोरी छिपे वे वापस आ गए थे। मीरवाइज को मारने से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के सभी 5 आतंकवादी 1990 में आतंकवादी प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान गए थे। इन्होंने अपने साथी अब्दुल्ला बांगरू के साथ मिलकर पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर मीरवाइज की हत्या की थी। और रक्षक जो ये दोनों पकड़े गए हैं, जो भगोड़े थे, जो अब्सकंडर थे, अब वो ट्रायल फेस करेंगे। इसके साथ मीरवाइज साहब की कत्ल का जो है, सभी अक्यूज्ड जो है वो दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस एज दे से इन इंग्लिश। इतना ही कहना था आज की प्रेस मीटिंग में। थैंक यू। मैं आप सब लोगों को पीसीआर की ईमेल की एड्रेस लिस्ट में आप होंगे जरूर, तो पर फिर भी मैं पढ़ लेता हूं। जावेद अहमद भट्ट, कोड अजमल खान, सन ऑफ लेट हबीबुल्ला भट्ट, रेजिडेंट ऑफ सोलिना बाला, एट प्रेजेंट आजाद बस्ती नटीपुरा श्रीनगर। दूसरे का नाम है जहूर अहमद भट्ट। एक्चुअली जो ट्रिगर चलाने वाला है वो जहूर है, जो बेडरूम में गया था। कोड बिलाल, सन ऑफ लेट मोहम्मद रमजान भट्ट, रेजिडेंट ऑफ डंडरक्षा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, बटमालू श्रीनगर। तो ये SIA की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इंटेलिजेंस जनरेट हुआ था, तो इस इंटेलिजेंस को आगे डेवलप करके हमने अभी CBI की मदद कर दी, उनकी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ के उनके हवाले कर दिए ताकि वो जस्टिस के सामने आए, जस्टिस फेस करें और बाकी की जो ट्रायल है, वो जो ट्रायल से भाग गए थे, अब वो ट्रायल को सामना करें।
और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है। 814 करोड़ रुपए के आयात प्रतिस्थापन के तहत 164 आइटम्स को सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में रखा गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इन वस्तुओं अथवा उपकरणों को दिसंबर 2022 तक स्वदेशी तौर पर तैयार करने की समय सीमा तय की गई है, लेकिन इन वस्तुओं को समय से पहले भी स्वदेशी उपक्रमों ने तैयार कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इन वस्तुओं का स्वदेशीकरण रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के जरिए हासिल किया गया है। इस उपलब्धि को हासिल करने में सार्वजनिक उपभोग उपक्रमों के उद्योग भागीदार और सूक्ष्म छोटे और मध्यम उपक्रम यानी MSME इसमें शामिल रहे हैं। इन स्वदेशी वस्तुओं की क्रमवार सूची सृजन पोर्टल पर मौजूद है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC की तरफ से संचालित कर्मचारी राज्य बीमा योजना से के तहत मार्च में 17.31 लाख नए अंशधारक जुड़े थे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि मार्च 2023 में करीब 19,000 नए प्रतिष्ठानों को ESIC के साथ पंजीकृत कर इसकी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाया गया। इससे अधिक कर्मचारियों के लिए सुरक्षा दायरा बढ़ाने में मदद मिली। मंत्रालय के मुताबिक ESIC के अस्थायी वेतन के डेटा के मुताबिक मार्च महीने में 17,31,000 नए अंशधारक जुड़े। इस दौरान 41 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को भी ESI योजना के दायरे में लाया गया। मार्च में ESIC के सदस्य बनने वाले 17,31,000 कर्मचारियों में से 8,26,000 सदस्य 25 वर्ष के आयु समूह का हिस्सा थे। इसके अलावा कुल 3,36,000 महिलाएं भी ESI योजना के तहत रजिस्टर्ड हुई थी। और अपर सचिव DPI IT राजीव सिंह ठाकुर ने कहा है कि फुटवेयर लेदर उद्योग अब कोविड के बाद फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। इस क्षेत्र में नए रोजगार की संभावनाएं काफी बढ़ी हुई हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस सेक्टर की भविष्य की संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि केंद्र सरकार ने फुटवेयर और लेदर सेक्टर में प्रोत्साहन के लिए अहम पहल भी की है। अर्लियर फुटवेयर वॉज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद लेदर, सो मोस्ट ऑफ यू माइट फील दैट फुटवेयर इज अ पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, It's an industry where cattle are being used, their skin and all. So that's one part. But now what has globally and in India also is very rapidly changing is that the share of non-leather in the footwear sector. The estimate is that 70-75% of footwear being manufactured in India is now non-leather. Why this sector is very important to us and for the economy and for the industry is that it's a very employment generating sector and there is hardly any skill which is needed. So anybody above the age of 18 with very minimal training, need not have any education, need not have any skill, can be directly employed with some training. और अपर सचिव DPI IT राजीव सिंह ठाकुर ने बताया कि ग्लोबल निर्यात में इस सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। निवेशक भी काफी रुचि ले रहे हैं। उन्होंने बीते 9 वर्षों में इस क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रगति का खाका भी पेश किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने फुटवेयर और लेदर सेक्टर में प्रोत्साहन के लिए अहम पहल भी की है। The idea of FDDI is to give industry a platform for research and development to churn out qualified manpower who can be absorbed by the industry. Industry can come, go there and have their products tested with a minimal user fee. Because every industry can't have its own state of art labs or that type of equipment. So we have created in our FDDIs. Then coming to this Megaleather scheme, which is basically a footwear park scheme. So earlier also we tried this 5 years was also dedicated for this. So 300 crores have been allocated and we have got some responses from various states, but no sanctions as yet. We are in the process of giving approvals. So these are the achievements in last 9 years if you see under these categories. और अब बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी और विजिबिलिटी में आई कमी पर मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि मई के पहले पखवाड़े में हीट वेव की स्थिति पश्चिमी विक्षोभ के कारण कम गंभीर थी, जिससे उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया।
उन्होंने कहा कि अगला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में आ रहा है, जिसके चलते अगले 7 दिनों तक हीट वेव की स्थिति की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। वी आर एक्सपेक्टिंग टेम्परेचर विल बी मोर, बट एज फॉर एज द हीट वेव कंसर्न, मोस्ट ऑफ द हीट वेव कंडीशन ऑकर इन द मंथ ऑफ द मे, एंड सिंस द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ of the May month is, you can see that the heat wave condition are less due to the ongoing back-to-back western disturbance which have affected plains of northwest India, and so the heat wave condition were less, and as the time is progressing next western disturbance is approaching over northwest India, so next 7 days we are not expecting that much heat wave condition over plains of northwest India। तो अभी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एक भीषण विस्फोट हुआ जो पटाखा फैक्ट्री में, और ख़ासतौर पर ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जो पटाखा फैक्ट्री थी उसको अवैध बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार किया है कि वो फैक्ट्री जो थी वो अवैध थी, और ख़ास बात है कि इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो फैक्ट्री संचालक था वो TMC से जुड़ा हुआ है। जो राज्य सरकार है, जो प्रशासन है, उसका यह कहना है कि जो फैक्ट्री का संचालक था वो उड़ीसा भाग चुका है, और अब एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि BJP का साफ तौर पर कहना है कि ये जो पटाखा फैक्ट्री का जो संचालक था उसको पिछले वर्ष यानी 2022 में एक बार पहले गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उसको छोड़ा क्यों गया, और अगर छोड़ा गया तो क्यों वो दोबारा इस फैक्ट्री को संचालित करने में सक्षम हुआ। ये फैक्ट्री में विस्फोट जो हुआ वो इतना भीषण था कि धमाके की तीव्रता इतनी तेज थी कि कई मीटर दूर तक लाशें मिली हैं। 9 लोगों की मौत की खबर है, और जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ 9 लोगों की मौत नहीं हुई है, बल्कि जो राज्य सरकार है, जो प्रशासन है, वो इन आंकड़ों को दबा रहा है, छिपा रहा है, और ये आंकड़े कम से कम 2021 तक हैं, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। फिलहाल इस मामले में किसी भी व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ सवाल ये भी खड़े किए गए कि जो विस्फोट था वो इतना भीषण था तो क्या ये सचमुच केवल एक पटाखा फैक्ट्री थी या इसमें कुछ और भी था, ये संवेदनशील विषय है। तो ये एक संवेदनशील विषय है, और इस पर BJP ने लगातार मांग की है। उसका कहना है कि इस पूरे मामले की NIA से जांच कराई जाए, क्योंकि ग्रामीणों से लेकर के जो आम जनता है उसको, जो लोकल पुलिस है, जो स्थानीय पुलिस है, उस पर भरोसा नहीं रह गया है। आज ग्रामीणों ने, जो स्थानीय पुलिस थी, जब वो जांच करने के लिए वहां पर पहुंची तो ग्रामीणों ने उनको दौड़ा लिया और पीटा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था के दौरान पे ये जो है जो एक फेथ होता है पुलिस प्रशासन पर वो अभी फिलहाल उठता हुआ नजर आ रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्र जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख,
पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोखता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके दो सोखता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in Merchant Navy and Marine Engineering. With world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations, it's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023-24. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम बुलेटिन के अंत में आ पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आम जनता को महंगाई के मोर्चे पर लगातार राहत मिल रही है। हम जानेंगे कि महंगाई के मोर्चे पर लगातार राहत किस तरह से मिल रही है, क्या है इसका विस्तार, तो आपको हम छोड़े जाएंगे इसी खबर के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। महंगाई के मोर्चे पर वित्तीय वर्ष 2023-24 का आगाज बेहद शानदार रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले ही महीने यानी कि अप्रैल में थोक महंगाई दर 34 महीने के निचले स्तर पर आ गई है, तो वहीं खुदरा महंगाई दर 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। सबसे पहले बात अगर थोक महंगाई की करें तो अप्रैल में थोक महंगाई घटकर शून्य से भी नीचे आ गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर -0.92% रही है। बता दें कि थोक महंगाई पिछले 11 महीनों से लगातार नीचे जा रही है। जाहिर तौर पर ये उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। केवल इसी साल की बात करें तो थोक महंगाई मार्च में 1.34% थी, उससे पहले फरवरी में ये 3.85% और जनवरी में 4.73% रही थी। गौरतलब है कि जून 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब थोक महंगाई दर शून्य से भी नीचे आ गई हो। वही बात अगर खुदरा महंगाई दर की करें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.70% पर आ गई है। बता दें कि खुदरा महंगाई भी पिछले कुछ समय से लगातार नीचे जा रही है। केवल इस साल की बात करें तो मार्च में 5.66% थी, उससे पहले फरवरी में ये 6.44% रही थी। गौरतलब है कि अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। साथ ही साथ अप्रैल लगातार दूसरा महीना है जब खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे में है। बता दें कि पिछले महीने जारी मौद्रिक नीति में RBI ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में औसत खुदरा महंगाई दर 5.2% पर रहने का अनुमान जताया है। आज महंगाई दर के मोर्चे पर भारत की तुलना विश्व की कुछ अर्थव्यवस्थाओं से हो सकती है। दुनिया में 50 से ज्यादा देशों में स्थानीय वजहों से हालात खराब हैं, जिसकी वजह से महंगाई दर बेकाबू हो चुकी है। पड़ोस में देखें तो पाकिस्तान में भारत से लगभग 7 गुना ज्यादा महंगाई है। पाकिस्तान में महंगाई दर 36.6% जबकि श्रीलंका में 35.3% है। बांग्लादेश में 10% से कुछ कम और नेपाल में 7.76% की दर पर है।
वहीं अमेरिका में महंगाई दर 8.5%, ब्रिटेन में 19.1% और यूरोप में 17.5% है। महंगाई के मोर्चे पर लगातार मिल रही राहत अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है। अगर महंगाई में गिरावट का सिलसिला जारी रहता है तो आने वाले दिनों में RBI रेपो रेट में कमी कर सकता है, जिससे होम लोन से लेकर अन्य कर्जों के ब्याज दरें कम हो जाएंगी। ब्याज दर कम होने के कारण देश में निवेश बढ़ेगा और देश की आर्थिक रफ्तार यानी के GDP वृद्धि दर को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।